Hey guys, welcome and welcome back to my channel. I hope you guys are fine and good at the place wherever you are. And yes, so today I am back with another video, which is like we are creating a dress, a summer dress into the winter dress. Like कैसे हम उसे winter में भी पहन सकते हैं. सो आई एम हैविंग लॉट ऑफ ऑप्शन ऊपर के, तो हम देखते हैं. हम एक ही ड्रेस पहनेंगे आज, जो कि मेरे बर्थडे वाली ड्रेस थी. उसी के साथ हम नए नए वो करेंगे, लाइक नए नए आउटफिट बनाएंगे, जो भी हमारा अपर वियर होगा. ओके, सो यस गाइज, बिना कुछ देरी करिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो लेट केयर इन टू द वीडियो. बर्थडे ड्रेस ये नीचे से पूरी लॉन्ग है. एंड यस, लेट मी शो यू गाइज. सॉरी, दिस इज माई, सॉरी गाइज, इग्नोर द मेस. ऐसे कुछ हाँ वो दिख रहा है ना. तो ये मेरे बर्थडे ड्रेस थी. नाउ हम इसको बनाएंगे. ये रेड है, तो वील मेक इट एज अ क्रिसमस और अ न्यू ईयर आउटफिट. तो हम उस मतलब ऐसा ही वो रखेंगे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. तो मतलब इसको हमें एज अ स्कर्ट ही पहनना है. स्कर्ट पहनना है. तो यहाँ से तो वैसे ही ये वैसे आधी तो वो हो जाती है, कट जाती है. तो हम ऊपर का डिसाइड करते हैं, अब ऊपर क्या पहनना है. नीचे का तो ऐसे ही रहेगा. तो या लेट्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अभी मैं एक बार पहन चुकी हूँ. सो अब ऐसा होगा कि बार बार क्या ही पहनूँ. तो वी विल क्रिएट अ क्रिसमस और अ हैप्पी न्यू ईयर आउटफिट एंड मेक इट किट एज अ स्कर्ट. सो फर्स्ट मेरे पास जो है, तो फर्स्ट वी विल ट्राई दिस स्वेटर विच वॉज फ्रॉम सरोजनी. ये हमारी सरोजनी से थी एंड दिस इज ओनली फॉर 200 rupees. तो ये रेड सा है, लाल, और ये यहाँ पर ऐसे बाजू में भी रेड रेड है, प्लस इसमें एक हार्ट है. सो आई थिंक ये एक रेड आउटफिट के साथ या रेड स्कर्ट के साथ बहुत अच्छा लगेगा. तो हम इसे पहनते हैं, ठीक है. सो मैं पहन के आती हूँ. के सो इट इज़ नॉट लुकिंग वेरी बैड. यार मैं तुम्हें पूरा दिखाना चाहती हूँ, वेट. सो गाइज, ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है. तो इस वैसे ऐसे तो मतलब बहुत बुरा लगेगा, तो हमें इसे टक ही करना पड़ेगा. जा ओके, सो इट इज़ विजिबल. यार मैंने टमी टक्कर नहीं पहना, तो पेट तो दिखेगा ही. हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे, जैसे ये चीज़ कट रही थी, हम इसको ऐसे टक कर सकते हैं. एंड यस, दिस वाला ऑप्शन तो रियली वर्क्स. ये मैं इसको तो मैं दूंगी लाइक 8/10, क्योंकि ये ऊपर से ऐसे स्कूल सी वाइब्स दे रहा है, क्योंकि स्वेटर एकदम स्कूल जैसा है और नीचे से पूरी ऐसे स्कर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली लूज ऐसे स्वेटर बैगी हो गया और नीचे ऐसे बिल्कुल फिटेड स्कर्ट, वो भी रेड कलर की, वो भी स्कर्ट. तो ये पूरा ही अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन जा रहा है. एंड आई एम गिविंग तो 8/10. आप मुझे बताओ आप इसको क्या रेट दोगे. मेरे को ये काफ़ी पसंद आया ये वाला आउटफिट. तो फर्स्ट वाला हमारा जो हमने सोचा था वो तो थम्स अप है. लेट्स गो फॉर द सेकेंड आउटफिट, जिसके लिए मेरे पास ये फर में है. ये एक ऊपर से जैकेट नहीं, जो भी है ये. तो हम ये ट्राई करेंगे आई गेस, एंड आई होप कि ये वाला भी अच्छा लगे. तो फटाफट इसे पहन कर आते हैं. ऑब्वियसली यार रेड के साथ ना ब्लैक ही अच्छा लगता है. सॉरी, ब्लैक कह रही हूँ, कौन सा कलर है, ये वाइट ही ज़्यादा अच्छा लगता है. ये बेज भी अच्छा लग रहा है, ब्लैक भी अच्छा लगेगा, बट नॉट सो लाइक रियली, क्योंकि हम क्रिसमस आउटफिट कर रहे हैं ना गाइज. तो हम सांता बनने की पूरी ट्राई कर रहे हैं. तो लेट्स कैच इन टू द वीडियो एंड अगला वाला ऑप्शन आपको. सो गाइज, ये था हमारा सेकेंड आउटफिट. मतलब ठीक लग रहा था, ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था, बट आई वॉज थिंकिंग सो मच ज़्यादा इन दिस. बट ये इतना भी कोई खास नहीं लग रहा था. ठीक है, पहन सकते हैं, बट इट इज़ नॉट द वे आई वॉज थिंकिंग. सो आप बताओ, मैं इसको मार्क्स दूंगी. आई गिव इट 6/10. ठीक है, मुझे अच्छा लगा है, बट लेकिन नॉट सो वेरी गुड. वैसे तो यार अच्छा लग रहा है, बट ठीक है, आपका मन है आप पहन सकते हो. इसके साथ रेड बैग ले लेना. आई एम नॉट हैविंग रेड बैग अभी, तो फिर आप कुछ भी ले सकते हो. और यू कैन ऑल्सो वियर लाइक स्कार्फ ओवर हेयर, कि मतलब थोड़ा सा ना रेड ऐसे यहाँ से दिखे और नीचे से अपनी स्कर्ट वाली दिखे. तो स्कार्फ ओवर दिस, आई गेस दिस इज लुकिंग गुड. वेट, या मतलब ऐसा कुछ करके पहन सकते हैं. बट दिस इज मेहरूनिश. नो वी वॉन्ट रेड,
नॉट हैविंग रेड आई थिंक सो, पता नहीं कहाँ है, वैसे मेरे पास है बट आई एम नॉट फाइंडिंग। आप यहाँ पर कुछ ऐसे लाल कलर का कुछ भी पहन सकते हो, या फिर इसको ऐसे करके ऐसे, ताकि यहाँ से भी रेड रेड दिखे तो ये थोड़ा और अच्छा लगेगा। अभी भी ठीक है, जो सी माय बेटा, यस सो आई विल गिव ओके रिपोर्ट फॉर दिस एंड विल ट्राई दिस थर्ड। थर्ड चीज़ हम क्या पहन सकते हैं यार, वाइट वाइट ही रहेंगी, आपको बता दिया है। इस द कार्डिगन, देखते हैं अब, हर चीज़ में तो अच्छा लग रहा है, अब कार्डिगन में भी देख लेते हैं ये आउटफिट कैसा सा लगेगा। सो चेंज करके आते हैं फटाफट। कार्डिगन यार मैं देखना भूल गई, इसमें ना बटन नहीं है, सो इट कैन नॉट बी क्लोज, ये थोड़ा ओपन ही रहेगा थोड़े का पूरा ही, बट लेकिन मुझे ये भी आउटफिट काफ़ी सुंदर और काफ़ी। सो गाइज दिस आउटफिट इज ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी, सो एलिगेंट, सो ब्यूटिफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ क्रिसमस एंड अ सेंटा। बस एक सेंटा कैप की वो है हमारे पास, बट वी आर नॉट हैविंग दैट, सो ऐसे लग रहा है पूरा सेंटा ही लग रही हूँ। एंड येस इट इज़ नॉट काइंड ऑफ अ टॉप, बट इट इज़, अभी तो इसके वो नहीं है ऐसे, बट वंस आई विल पुट द बटन तो फिर ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ऐसा बंद हुआ होगा अभी, यहाँ पर एक बटन होगा तो वो भी बहुत ही सुंदर लगेगा, अभी भी ये बहुत सुंदर लग रहा है। एंड आई एम रेडी टू गिव इट सेवन, पता है मैंने फर्स्ट वाले को शायद ना 8 देख कर बहुत गलती कर दिया, उसको 10 भी होना चाहिए क्योंकि इससे अच्छे कपड़े हैं नहीं मेरे पास, क्योंकि वो 10 डिजर्व करता था वैसे, और दूसरा वाला 6 ठीक है, और ये मैं 8 दूंगी क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसके मुकाबले। तो आई विल गिव इट 8 out of 10 एंड द फर्स्ट वन हम चेंज कर रहे हैं, उसको हम 10 out of 10 देंगे, है ना, 10 out of 10, हाँ 10 out of 10 देंगे क्योंकि वो मुझे सबसे अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। वैसे ये भी बहुत क्यूट लग रहा है, अगर आप इसको अच्छे से एक्सेसराइज करोगे, बैग वैग अच्छे से पहनाओगा, हील्स वट एवर यू वॉन्ट टू वियर इन द बूट्स, लाइक बूट्स पहन सकते हो आप इस, शॉर की अच्छी लगेगी, शॉर क्या मुझे लगी नहीं रहा कि अच्छी लगेगी, बिकॉज इसमें फर फर है इसलिए मैं इसको, ये पूरी ऐसे बंद हो गई है एंड हम इसको थोड़ा रेड रेड तो दिखने ही देंगे क्योंकि वी हैव टू लाइक, हमें पूरी आउटफिट के साथ भी इसको मैच कराना है। सो गाइज आपको मैं दिखाती हूँ इसका पूरा लुक। सो गाइज दिस वाला आउटफिट इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड, मुझे लगा नहीं था ये इतना अच्छा, हाँ मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है ऑफकोर्स, बट आई वॉज नॉट श्योर कि ये बिल्कुल अच्छा लगेगा या नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा था ब्लैक विल नॉट गो क्योंकि रेड कलर का मतलब, बट लेकिन ब्लैक जो है वो इस आउटफिट को बहुत ही अच्छा बना रहा है, लाइक ये ऐसा लग रहा है कि ऐसे जैकेट है और फिर वो स्कर्ट, एंड नो इट इज़ लुकिंग गुड, बट येस आई विल गिव इट 7 out of 10 क्योंकि ये मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा निकला, एक्सपेक्टेड 0 था और ये निकला काफ़ी कुछ अच्छा है, है ना। तो ये हमारे 4 आउटफिट्स थे, फर्स्ट वन इज टू अमेजिंग, सेकेंड वन भी अच्छा था बट लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ थी और फिर वो यहाँ आया, इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन यहीं थी और फिर वो यहाँ चला गया, तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है गाइस। इसको अगर आप और अच्छे से मतलब ज्वेलरी जो भी आप पहनोगे कान में या वगैरह कुछ भी, तो फिर तो बहुत ही सुंदर लगेगा। आई एम हैविंग 1, 2, 3 आई एम हैविंग 4 आउटफिट्स फॉर द क्रिसमस एंड द न्यू ईयर, एंड गेस व्हाट द फनी पार्ट इज, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, नॉट इवन ऑन क्रिसमस एंड नॉट इवन ऑन 1, मतलब एक को तो मेरे को ऑफिस ही जाना है, ऑफिस में तो अब ये सब पहन नहीं सकते ना, एक को तो मुझे ऑफिस में जाना है, सो नो पार्टी, एंड येस क्रिसमस पे भी नो पार्टी गाइस, क्योंकि एक छुट्टी मिलती है उसमें भी, तो फिर मैं सोना पसंद करती हूँ। तो ये हमारे 4 आउटफिट्स थे, 1, 2, 3, 4। सो आप मुझे बताओ आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा है, एंड आप मुझे बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी हो, क्योंकि ये बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस थी, आउट ऑफ द बॉक्स थी मेरे, मैंने ऐसे ही बस, मेरे को ऐसा दिमाग में आया और मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा सोच लिया मैंने कि ये वाली वीडियो अच्छी रहेगी। तो आपको व्लॉग्स देखने को और मिलेंगे ऐसे, अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो पर कमेंट करके बताओ, जो कि आप करते नहीं हो, बोड़े हो। तो हमारे पास ये 4 आउटफिट्स आए हैं इतनी मेहनत करने के बाद, तो यस आई एम वेरी ग्रेटफुल। अगले साल तू पहन सकती है बहन, तो हम इसको अगले साल पहन लेंगे, नो वरीज। तो यस दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर।
मेरी क्रिसमस टू ऑल द पीपल आउट देयर एंड हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता नहीं मेरी इस साल में कोई वीडियो आएगी. तो यस, बाय, आई लव यू, बाय.